एसपी चंपावत देवेंद्र पिंचा के निर्देश पर जिले में चोरी की घटनाओं की रोकथाम लगाए जाने तथा चोरी करने वाले चोरों को गिरफ्तार करके चोरी का माल बरामद कराए जाने हेतु सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है। 6 अक्टूबर को जनपद चंपावत के थाना बनवसा क्षेत्र के वादी मोहन चंद्र पुत्र बहादुर चंद्र निवासी चूना भट्टा बनवसा थाना ने थाना बनवसा में आकर अपने वाहन मोटरसाइकिल स्प्लेंडर ब्लैक रजिस्ट्रेशन नंबर UK03C2265 के चोरी होने के संबंध में एप्लीकेशन दिया था, जिस पर बनवसा पुलिस ने धारा 379 IPC के बनाम अज्ञात रजिस्टर करके मामले के खुलासे के लिए थानाध्यक्ष बनवसा लक्ष्मण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन किया था। पुलिस टीम द्वारा सूचना मिलते ही मामले के खुलासे हेतु तत्काल घटनास्थल का निरीक्षण कर वादी और आसपास के लोगों से पूछताछ की गई। वहां मौजूद CCTV कैमरों की मदद से अथक प्रयास के जरिए बनवसा पुलिस ने मलेरिया नाला गढ़ीकोट रोड बनवसा से अभियुक्त अमित श्रीवास्तव पुत्र राम सेवक श्रीवास्तव निवासी वार्ड नंबर 5 झोपड़पट्टी बनवसा जिला चंपावत को मय चोरी के वाहन मोटरसाइकिल स्प्लेंडर ब्लैक UK03C2265 के साथ गिरफ्तार कर लिया है। CO अविनाश वर्मा ने बताया कि आरोपी के खिलाफ अग्रिम वैधानिक कार्रवाई जारी है और इसे जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इस अभियुक्त के आपराधिक इतिहास का भी पता लगाया जा रहा है कि क्या इसने इस इलाके में और भी इस तरह की वारदात की है या नहीं। ये बनवसा थाना क्षेत्र का मामला है और 6 तारीख को चूना भट्टा निवासी मोहन चंद जी ने एक शिकायत की थी कि उनकी ब्लैक कलर की स्प्लेंडर मोटरसाइकिल तो चोरी हुई है और इस संबंध में थाना में उन्होंने एप्लीकेशन दी थी। इस पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर लिखने के बाद से एक टीम बनाई गई और उस टीम के द्वारा CCTV चेक करते हुए और मैनुअली पूछताछ करते हुए उसमें काम किया गया और 15 तारीख को उसमें शाम को एक अभियुक्त जो बनवसा के रहने वाला है अमित श्रीवास्तव वो उस बाइक के साथ हमको मिला था और पूछताछ करने पर उसने ना ही डॉक्यूमेंट दिखा पाया और ना ही संबंध में जानकारी दे पाया और वो हमारी जो चोरी की बाइक थी वही बाइक निकली। तो उसको अभियुक्त को चोरी की बाइक के साथ बरामद किया गया है और उसको अगली कार्रवाई के लिए न्यायालय में पेश किया। UP News 9 के लिए बनवसा से लक्ष्मण सिंह बस्ट की रिपोर्ट।